केव्स हैं और कहाँ कहाँ अश्वमुख में, बिंबिसार में और चंद्रगुप्त में, कहाँ कहाँ सॉरी चंद्रगुप्त बोल रहा हूँ, हाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त में और जो पोस्ट मौर्य नाम का वो हैं राजा हैं, उन्होंने क्या क्या आर्किटेक्चर खड़े किए थे, कैसे कैसे ये वास्केल पे गया और इनके दौरान। शुरू करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए नई नई चीज़ें लाने का मन करता है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, मॉडर्न में आर्किटेक्चर चलता है 325 बीसी से मॉडर्न आर्किटेक्चर चलता है और 316 में यस 20 के आसपास आप समझ लीजिए कि अलेक्जेंडर का टेरेकोटा, लेकिन ये टाइमलाइन याद रखिएगा 325 से 303 तक 325 बीसी से आपका मौर्यन काल शुरू होता है। ग्रेट मौर्यन रूलर अशोक एम्पायर। हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूलिया कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने वो जैन फॉलोअर था, उसका जो बेटा था अजातशत्रु वो अलग रिलीजन का था और अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया, ठीक है ना। अजीका एक रिलीजन था, अजीका एक रिलीजन था जिसे बिंबिसार ने अपनाया था, जो बेटा जैन321 मैंने बताया कि 321 बीसी 325 में
25 से आप घटाते चले जाइए तो 321 में अपना चतुर्थ मौर्य आया चाणक्य की मदद से, मौर्य एम्पायर को नंद डायनेस्टी को उसने थ्रो ओवर किया और पहला पावरफुल एम्पायर बैठाया उसने पूरे इंडिया में मौर्य समाज में। और मौर्य एम्पायर अंडर चतुर्थ मौर्य स्प्रेड इज बाउंड्री टू पर्शिया तक इनका एम्पायर गया, ठीक है ना। अब एक्सपेंशन ऑफ मौर्य एम्पायर देख लेते हैं कि मौर्य एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ। जो इसका बेटा था बिंदुसार चतुर्थ मौर्य का, इसने एक्सपेंशन किया स्टार्ट किया 298 BC से और जो अभी प्रेजेंट में कलिंगा है वहाँ तक उसने आपका एक्सटेंड किया एम्पायर। फिर आता है अशोका, अशोका ने बिंदुसार बिंदुसार के जो एम्पायर है उसको फर्दर एक्सटेंड किया और अशोका आता है 274 BC से, ठीक है ना। कलिंगा की इन्वेजन पर ही अशोक ने ही किया था और यहाँ पर इसने अधर्म अधर्म और बुद्धिज्म की पॉलिसी डाली, क्योंकि जो कलिंगा वॉर था इसमें इसका परिवर्तन हो गया बहुत बड़े स्केल पर। तो मौर्य ये हमने जो वीडियो बनाया है ये आर्ट और आर्किटेक्चर के संदर्भ में बनाया है कि मौर्य के दौरान कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो मौर्य के दौरान में केस बने थे बहुत सारे। मौर्य आर्ट को हम दो चीज़ों में उदाहरण देते हैं, मौर्य कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट में क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस जो कि लकड़ी से बना था वो पैरिश हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। पिलर्स जो भी हैं उसको बात भी है, ठीक है ना। पॉपुलर आर्ट में क्या आते हैं, केक्स आते हैं, पोल्ट्री आती है, स्कल्पचर्स, ठीक है ना। तो जो कोर्ट से संबंधित था, जो राज्य से संबंधित था, राज्यों ने क्या बनाया, पैलेस बनाया, अपना महल बनाए, पिलर्स बनाए, केक्स बनाए, ठीक है ना, स्केच हो स्तूपा तो सॉरी स्तूपा बनाए, ठीक है ना। और जो लोकली जो बिहार थे बुद्ध के रोकने की जगह थी, रोकने की जगह थी, वो आते हैं आपके केक्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स, ठीक है ना। तो ये आपकी पॉपुलर आर्ट थी जो कि पूरे के पूरे आपके एम्पायर में मौर्य एम्पायर में इस्टेब्लिश थी, ठीक है ना। चलिए तो पैलेस में देख लेते हैं, मैग्नेस्टिस ये आया था, मैग्नेस्टिस आया था आपके चतुर्थ मौर्य के समय में और इसने बताया था कि भाई उसने बहुत ही बेहतर ढंग से पैलेस बनाए हैं और सब लकड़ी के बने हुए हैं और पैलेस में बहुत ही स्पेशियस था, ठीक है ना, और बड़ा डाउन टू अर्थ था जो पैलेस वगैरह की डेकोरेशन, पर्शियन इन्फ्लुएंस था उन पैलेस में। द पैलेसेज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्कमिडियन पैलेसेज ऑफ पर्सेपोलिस इन ईरान। तो जो पैलेस बने थे उसमें जो पर्शियन आर्किटेक्ट वो आर्ट था वो फॉर्म देखते हैं, मटीरियल का यूज हुआ था, वुड हुआ था, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसने पाटलिपुत्र था, ठीक है ना, मगध की जो वो था पाटलिपुत्र जो कि अपनी की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र में अशोका का पैलेस मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस मिलता है, ठीक है ना। और पिलर्स में देखते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है पिलर्स, ठीक है ना। अशोका ने सैंडस्टोन के चुनार के पत्थरों के पिलर्स करवाए। पिलर्स में वो क्या करता था, जो रेवेन्यू हैं या पिलर्स बेसिकली क्या है, जो रेवेन्यूज हैं या आपके बौद्ध के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके उसने इंक्रिप्ट करवा के। और बड़ा इसमें ये रहता था कि कुछ कुछ पिलर्स तो थे सिंगल एक स्टोन से कार्व किए, कुछ थे जिसमें आपकी जो शाफ्ट है जो पिलर की जो लंबाई है, ठीक है ना, उसको अलग से निकालता था। जो ऊपर जो आपने उसके जो स्ट्रक्चर किया था पिलर के टॉप पे लगता था वो अलग होता था। तो दो तीन तरह के पिलर थे इसने अशोका, और बड़े वेल फर्निश्ड पिलर थे, बहुत ही शाइनिंग पिलर थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको आइडियोलॉजी बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी और कोर्ट के ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब कि आपका रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा, अगर कोई जीव हत्या करेगा तो उसे ये पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत और पाली लैंग्वेज में थी, एंड फ्यू जो है अरमाइक लैंग्वेज यानी ग्रीक लैंग्वेज में भी
कुछ नहीं रहता। तीन लैंग्वेज में उसने पिलर मंगवाए थे, पाली, प्राकृत और आपके ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है ना। मौर्यन पिलर कंप्राइज ऑफ फोर पार्ट, चार हिस्सों में हम बांटते हैं शाफ्ट, जो मैंने आपको बताया। एक लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म द बेस, शाफ्ट जो है बेस बनाता है, ठीक है ना। कैपिटल तो लंबाई होती है पिलर, कैपिटल इसको टॉप पे रखते थे, इसमें एक लोटस, इन्वर्टेड लोटस को रखता था, ठीक है ना। बेल शेप्ड या इन्वर्टेड लोटस, यानी लोटस को आप उल्टा कर दीजिए और उसको उस पर वो शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर वो हिस्सा रखता था, कैपिटल जो बोलते हैं उसको, या बेल शेप में, घंटे की शेप में। अबैकस, अबैकस एक रेक्टेंगुलर पिलर होता है जो कैपिटल के ऊपर रखा जाता था, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिगर बनाई जाती थी, जैसे आपके जो नेशनल एम्बलम का नाम आता, ठीक है ना, तो चार लायंस हैं, इस तरह के फिगर्स बनाए जाते थे, लायन हो गया, बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है ना। तो जो अच्छा जो अबैकस होता था, ये सर्कुलर भी होता था, रेक्टेंगुलर शेप का, ये बात याद रखना, ठीक है। इनकी सिमिलैरिटीज पर्शियन पिलर के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटीज, बहुत मॉडर्न हैं पर्शियन पिलर्स, पर पॉलिश मैंने बताया, वेरी देवर वेरी वेल पॉलिश, ठीक है। और दोनों में मोटिव्स लिखा जाता था, जो कैपिटल होता था वो आपका लोटस के लिए लेते थे, उसमें भी ना ईरानियन में भी लोटस दिया जाता। मौर्यज आइडिया ऑफ इंस्क्रिप्शन प्रोक्लेमेशन, मतलब बुद्ध की क्या था, बुद्ध की जो टीचिंग्स थे, कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, वो उनके ऊपर इंकार कर दिया जाता है। ऐसे ही पर्शिया में भी ऐसे ही होता था, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ एम्पायर बिगिंस विद द थर्ड पर्सन एंड देन मूव टू द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने कहा कि इस तरह भाषा इस तरह से थी कि जो थर्ड पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हैं, जो भी देखने वाला है उसको आप एड्रेस कर रहे हैं, और इस तरह से एड्रेस करते हैं फर्स्ट पर्सन जो कि ऑर्डर्स दे रहा है, यानी राजा हुआ या रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ, उन पर वो आते थे, ठीक है। होकर लैंग्वेज इस तरह से। अब डिफरेंसेस क्या थे इनमें, जो मॉडल्स के जो पिलर थे उनमें और जो किराने पिलर थे उनमें क्या डिफरेंसेस थे। तो जो कैपिटल फिगर थी, कैपिटल के ऊपर जो फिगर रखी जाती थी, उसमें फर्क था। मॉडल्स पिलर्स ऑफ कुम आर ऑल्स देयर वर पर्सी पॉलिस एंड हैव इलैबोरेटेड कैपिटल फिगर्स, यानी बृहद स्केल पर, बड़े स्केल पर वो फिगर जो फिगर रखी जाती थी उसको एक्सेप्ट करते थे। किरान के इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के बताते थे, वो कभी छोटी फिगर रखते थे। पिलर सरफेस, मोस्ट ऑफ द पर्शियन पिलर हैव फ्लूटेड रिज सरफेस व्हाइल मॉडर्न पिलर हैव स्मूथ सरफेस। जो पर्शियन पिलर्स थे वो इनकार्विंग करके नाली टाइप की चीज बना के फिर उसको पॉलिश करते हैं, और मॉडर्न्स का जो पूरा के पूरे शाफ्ट को चिकना करके रखते हैं। आर्किटेक्चरल स्कीम क्या थी, आर्म जो ईरानियन पिलर्स वर जनरली द पार्ट ऑफ सम लार्ज आर्किटेक्चर स्कीम, तो ईरानियन जो है वो पिलर्स जो है कोई भी आर्किटेक्चर खड़ा किया, जैसे कोई महल खड़ा किया उसमें बीच में पिलर ला दिया, या उसने कोई पब्लिक गैदरिंग के लिए कोई अच्छा सा एक कॉलोसियम बनाया उसमें उसने पिलर डाल दिया। अशोका के, अशोका या मॉडर्न्स के पिलर्स थे वो इस तरह के होते हैं, उनमें ये था कि आपको अगर पिलर ही देखना है तो कई कई गाड़ देते हैं, ठीक है, सिटी के बीच बीच में पिलर को गाड़ देते हैं, एंड ठीक है, बड़े सिंपल होते थे। और शाफ्ट जो था वो मॉडर्न्स का मोनोलिथिक, मतलब एक ही शाफ्ट, यानी शाफ्ट को जो था, द मॉडर्न शाफ्ट्स वर बिल्ड अप मोनोलिथिक, यानी एक ही बड़ी सी चट्टान थी उसमें से ही पूरे शाफ्ट को निकाला, ठीक है ना। जो डंडा है, पिलर जो है, बिल्डिंग आपका पिलर है, उसमें से एक ही बिल्डिंग एक ही रॉक से काट के उसको निकालते थे। ईरानियंस के जो थे, ईरानियंस के टुकड़ों में आते थे, ये है छोटा सा रॉक लिया उसमें से थोड़ा निकाल दिया, टेढ़ा से छोटा सा रॉक लिया उसमें से निकाल दिया, ऐसा मॉडर्न्स नहीं करते। पिलर एडिट एंड इंस्क्रिप्शन, अब क्या क्या
जैसा जैसा था कहाँ कहाँ आपके पिलर से, तो अशोका के 7 पिलर एडिक्ट मिले हैं। चोपड़ा तो यानी दिल्ली में मिला है, मेरठ में मिला है, कौशाम्बी में मिला है, रामपुर में मिला है, चंपारण मिला है और मेहरौली में मिला। ठीक है, पिलर एडिक्ट वन जो कि आपका दिल्ली में मिला है, वहाँ पर क्या कहता है अशोका, यहाँ पर अशोका ने क्या कहता है, अशोका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल। तो यहाँ पर इसने प्रोटेक्शन की बात की है अपने सेकेंड एडिक्ट में, फर्स्ट एडिक्ट में जो कि दिल्ली में मिला है वहाँ पर इसने प्रोटेक्शन देने की बात की पति लोगों। दूसरा जो इसका एडिक्ट मिला है जो कि आपको मेरठ में मिला है, यहाँ इसने धम्म की बात की है। धम्म मतलब जो आपके धम्म डिफाइंस, धम्म एज द मिनिमम इज द मिनिमम ऑफ 6, यानी आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसका पश्चाताप आप कैसे कर सकते हैं। मैनी वर्च्यूज यानी बहुत सारी वैल्यूज डाली उसने, वर्च्यूज कंपैशन की आप इधर बात करें, लिबर्टी की बात करें और फ्रूटफुलनेस और प्योरिटी की बात करें, आपके मेरिट वाले पिलर। एडिक 3 जो कि आपका कौशाम्बी में मिलता है, यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ कहता है अबॉलिश सिन ऑफ हार्शनेस, यानी जो सिन है जो कि आपने पाप किया है इसको आप प्रोबेबिलिटी एंगर प्राइड इन सबको आप एक तरह से इनको अबॉलिश करें, इनमें से अपने अंदर से हटाएं जो गलत चीज़ें हैं, हार्श ना हो किसी पर, क्रूअल ना हो किसी पर, एंगर ना हो, प्राइड ना हो, ये सब इसने कौशाम्बी वाले पिलर में कहा। राम पूर्वा वाले पिलर में क्या कहा, इसने कहा बीस ऑफ ड्यूटी ऑफ राजू पास कौन होते थे, राजू पास जूरी होता था यानी जज होता था, राजू पास वर्सेस जज। कि यहाँ पर इसने रामपुरवा में इसने बताया कि जज की क्या ड्यूटी होती है और कैसे जज फैसला ले सकता है। एडिक 5 चंपारण में इसने बताया है कि बर्ड्स एनिमल शुड नॉट बी किल, यहाँ पर एनिमल्स का जो प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पर इसने कहा कि जानवरों पर आप अत्याचार नहीं करेंगे। फिर जो चंपारण का था, ठीक है, जो चंपारण का था वहाँ पर इसने क्या किया, धम्म की पॉलिसी थी जो आपके बुद्ध की जो पॉलिसी थी वो इसने दी। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है, छोटे छोटे पिलर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, लुंगीदायक पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोका प्रोजेक्टेड लुंगनी यानी वो गया था नेपाल में और लुंगनी में उसने टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, छोटा सा एक पिलर लगवाया वहाँ पर, उसने कहा कि लुंगनी के लोगों को लुंगनी भगवान बुद्ध की जगह है, जन्म स्थल है, तो वहाँ पर उसने उसको टैक्स फ्री कर दिया। निगाल सागर पिलर नेपाल में तो यहाँ पर अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ द स्तूप ऑफ द बुद्धा कोणार्क कामना एक कामना, कोणार्क कामना एक वहाँ पर स्तूप था, उसने वहाँ पर क्या किया, इसकी हाइट को डबल कर दिया और इसका इंस्क्रिप्शन उसने निगाल सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में डाला। अब मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिले हैं, सारनाथ मिला है जहाँ पर वाराणसी के पास है, वहाँ लाइन का कैपिटल है जहाँ से हमारा नेशनल सिंबलम मिला है। ठीक है ना, वैशाली पिलर जो है बिहार में, वहाँ से क्या मिला, सिंगल लायन मिला है जो इंस्क्रिप्शन है। सन किसा पिलर उत्तर प्रदेश में है, लौरियानंद ग्रह चंपारण बिहार में है, लौरिया
अराज्य अराज चंपारण ये भी बिहार में है। अलाहाबाद और जो इंस्पेक्शन है ये कब्जे, ठीक है ना। अब स्तूपा देख लेते, स्तूपा कैसे कहता था, तो स्तूपा को देखने से पहले ये तो परिदक्षिणा थी, ये तो इसको शाम था, ये था तो है, ठीक है ना। आपका डबल स्टेयरवेज था, इधर इधर भी स्टेयरवेज था और इधर से भी स्टेयरवेज था, ये स्तूपा को चढ़ने की जगह है। स्तूपा का जोन था ऐसे, ईस्ट में इसके में तोरण था और वेस्ट में तोरण था, स्टोन की फेंसिंग थी। परिदक्षिणा ये मतलब उसके डोम के आसपास चलने के लिए था और स्तूपा जो ऊपर जो था उसमें यस्ति एक छोटा सा पिलर शाफ्ट होता है, उसके ऊपर चतरा जो छतरा जो छत्र बोलते हैं ना, तो डबल छत्र थे यहाँ पर। और एक जिस बेस पर, जिस बेस पर आपका यास्ति इस्टैब्लिश की गई थी उसको बोलते थे हर्मिका, तो वो डबल तोरण था, साउथ सॉरी डबल स्टेयरवेज थे, दोनों तरफ चढ़ने का स्टेयरवेज था। साउथ में तो एक तोरण था जो कि लकड़ियों का बनाया गया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में जो तोरण है, ये तोरण जो एंट्रेंस द्वार है उसको तोरण बोलते हैं, ये लकड़ी का बनाया गया था, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में दोनों में एक तोरण था, ठीक है। इसको अंडाकार के रूप में इसको आपका माउंट जो डोम का जो माउंट है उसको अंडा बोलते हैं। हर्मिका स्क्वायर का रेलिंग यानी जो साउंड जो आपकी जो बाउंड्री है जिससे आप एक्शन दे रहे हैं आप उसको हर्मिका बोलते हैं। छत्र यानी डबल छत्र जो था ऊपर वो डबल ट्रिपल अम्ब्रेला था, सॉरी तीन तरह के छोटे छोटे छत्र थे, एक बड़ा छत्र था उसके ऊपर, एक छोटा छत्र था उसके ऊपर, एक छोटा छत्र था, ठीक है। मटीरियल यूज किया गया था, अनबेक्ड ब्रिक्स यूज की गई थी और जो अंदर का जो सरफेस था, जो अंदर का जो सरफेस कोर था उसमें तो अनबेक्ड ब्रिक्स यूज की गई थी, लेकिन जो आउटर सरफेस था वहाँ पर बेक्ड यानी बर्न्ड ब्रिक्स आपकी यूज की गई थी, ठीक है ना। एक थिक लेयर ऑफ प्लास्टर चढ़ाया गया था, मेदी एंड तोरण वर डेकोरेटेड विद वुडन पिलर्स, यानी जो जो मैं बता कि तोरण का जो द्वार था ये आपका लकड़ी का था, ठीक है। ऐसे इसके एग्जाम्पल जैसे सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में है, अशोका का स्तूप है, वो पिपरा स्तूप ये सबसे ओल्डेस्ट है उत्तर प्रदेश का स्तूप। स्तूप बिल्ड आप बुद्धा की डेथ के बाद कहाँ कहाँ स्तूप बने, राजगढ़ में बने थे, वैशाली में बने थे, कपिल वस्तु में बने थे, अलग पप्पा में बने थे, रामा ग्रामा में बने थे, जत्था गीथा पीड़ा में बने थे, पावा में बने थे, कुशीनगर में बने थे और पिपली पिपली वाना में आपके स्तूप बने थे। और फिर ऐसे ही स्तूप जो है बैराग राजस्थान में बने थे, जहाँ पर ग्रैंड स्तूप था जो सर्कुलर उसमें सर्कुलर माउंट का था और उसकी सर्कम वोलेट्री पाथ था, यानी उसका जो पाथ था वो भी बिल्कुल सर्कुलर शेप में था। अब डिपिक्शन ऑफ बुद्धा को देख लेते हैं कि बुद्धा का डिपिक्शन आपके स्तूप में कैसे किया गया, सिंबल कैसे कैसे हैं, क्योंकि शुरुआत में क्योंकि आप जानते हैं कि हीनयान और महायान है, जहाँ पर महायान में आपके बुद्ध को गॉड ना मानकर सॉरी एक ह्यूमन फॉर्म में मानकर ह्यूमन फॉर्म में मानते थे आपके महायान में, और हीनयान में आपका इतना हार्ड एक तो हार्ड पर फॉलोअर से बड़े हार्ड फॉलोअर है जिसकी वजह से कनिष्का ने महायान को छोड़कर हीनयान को अपना लिया था। तो अशोक के टाइम पर बुद्धा को सिंबल से आप निर्मण करते थे, तो बुद्धा को रिप्रेजेंटेड थे सिंबल्स में तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जैसे फुट प्रिंट लिए आपके लोटस की थ्रोन लिए और चक्रा लिया स्तूप, क्योंकि आप आगे जैसे कनिष्का में के टाइम में जाएंगे वहाँ पर आपके दो तरह के आपके गांधार और मथुरा की वो आ जाएगी, जो कि हम अपने अगले उसमें डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, अगले उसमें डिस्कस करेंगे।
किया था उसका लोटस के थ्रोन के उसमें चक्र में स्तूपा में और फुटप्रिंट्स में योगा के टाइम में बुद्धा का वो है या जता जो जता का स्टोरीज थे उसमें होता था जहाँ पर पुनर्जन्म और जन्म और आगे वाले जन्म दिखाए जाते जहाँ पर यहाँ पर बुद्धा वर पोर्ट्रेट ऑन द रेलिंग टोन ऑफ स्तूपा दोनों पर उन्हें दिखाया जाता था एक जता का स्टोरीज डिस्क्रिप्शन लाइक जतानंद जता का सीपी जता का गुरु जता का प्रसानता जता का विदु जता का क्षमा जता ठीक है ना चीफ इवेंट्स फ्रॉम द बुद्धा लाइफ वर नरेटेड इन द आर्ट्स लाइक बर्थ रीइंकार्नेशन और अलाइनमेंट में और फर्स्ट सेरेमनी यानी धर्म चक्र परिवर्तन को जो बुद्धा अचीव करते हैं यानी एनलाइटमेंट होता है बुद्धा का तो उसमें ये सारी चीज़ें आती थी फिर आता था आपका नवी महापरिवर्तन यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे वो आपका वैसा अच्छा यहाँ पर केव आर्किटेक्चर को देखेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे केव आर्किटेक्चर चैनल के साथ बने रही है और स्लोली स्टडीली हम धीरे धीरे मेन्स की तैयारी करेंगे और आपको सारा कुछ मटीरियल बढ़िया स्केल पर आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग कैसे कैसे बुद्धा के समय में चला गया मतलब बुद्धा का जो काल है मौर्यन काल में जो बुद्धा का प्रेजेंटेशन था फिर हम जाएंगे कनिष्ठ काल में और फिर वहाँ पर आपको जो मेन्स पेपर में आता है आपका तीन तरह के जो आर्ट फॉर्म है ठीक है ना गांधार और मथुरा और जो दूसरी जो थर्ड आर्ट फॉर्म है उसके बाद बताएंगे तो तीसरी आर्ट फॉर्म है उसको तो आप बताइए कौन सी थर्ड आर्ट फॉर्म कहते हैं स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है ना